हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किए थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, साथ ही सॉल्व की थी एक्सरसाइज 4.1। उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम सॉल्व करेंगे एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 4.2। चलिए एक बार शॉर्ट में इसके स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4.2। स्टेप नंबर वन, आपको क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट गिवन है उस इन टर्म्स ऑफ एन अगर वो हमें गिवन है, और मैथमेटिकल इंडक्शन का फर्स्ट स्टेप है P1 इज ट्रू। जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन है उसको हम P1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे एन के प्लेस पर 1 पुट करके। सेकेंड स्टेप है, हम एज्यूम कर लेते हैं PM इज ट्रू। हम एज्यूम करते हैं एन इज इक्वल टू एम के लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है, और फिर हम इसकी हेल्प से उस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करते हैं फॉर m प्लस 1। पी एम प्लस 1 इज ट्रू इफ पी एम इज ट्रू। अब देखिए, इसकी हेल्प से पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स कैसे होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ शेयर किया था, एक बार दोबारा से मैं शेयर कर रही हूं। आपने फर्स्ट स्टेप में P1 को ट्रू प्रूव किया है, और थर्ड वाले स्टेप में हमने ट्रू प्रूव किया है कि इफ पी एम इज ट्रू देन पी एम प्लस 1 भी ट्रू होगा। तो इट मीन्स अगर P1 ट्रू है तो इससे नेक्स्ट P1 प्लस 1 P2 भी ट्रू होगा। देन अप्लाई दिस रूल फॉर P2, इफ P2 इज 3 देन नेक्स्ट टू दिस P2 प्लस 1 मीन्स P3 इज ट्रू, और ये चेन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगी। इट मीन्स PN is true for all natural numbers. अब देखिए, इस स्टेटमेंट में आपके माइंड में एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि भाई हमने P1 ही क्यों चेक किया है, हम P2, P3, P4, P5 भी तो चेक कर सकते थे। तो इसका आंसर है येस यू कैन। लेकिन आप देखिए, अगर फर्स्ट स्टेप में आपने P3 को ट्रू प्रूव किया, तो जब आप थर्ड वाला स्टेप प्रूव कर देंगे तो P3 से नेक्स्ट वो स्टेटमेंट P4 के लिए ट्रू होगा, P5 के लिए ट्रू होगा, आगे सभी नंबर्स के लिए ट्रू होगा। बट 1 और 2 के लिए आपको उसको अलग से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि इट इज ट्रू फॉर 1 और 2। तो इन एक्स्ट्रा स्टेप से बचने के लिए हम P1 जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है उसके लिए ट्रू प्रूव करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव 1 to 30। हमें सेम स्टेटमेंट फॉलो करना है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। कैपिटल एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो चलिए हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस 2। आप एपी से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में मेंशन है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो हमें मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करके ही इसको प्रूव करना है। तो चलिए उसके स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप आप प्रूव कीजिए P1 इज ट्रू। सेकेंड स्टेप PM के लिए लेट कर लीजिए एंड थर्ड स्टेप PM प्लस 1 को ट्रू प्रूव कीजिए व्हेन PM इज ट्रू, देन द गिवन स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट PN बी द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में उसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन PN का नाम दे रहे हैं। दिस इज PN। नाउ स्टेप 1, P1 फाइंड आउट करेंगे। P1 मींस फर्स्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड में आप n के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए। 2 इज इक्वल टू 2, दिस इज ट्रू। इट मींस P1 इज ट्रू। पहला स्टेप तो हमने फॉलो कर लिया। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप, लेट PM बी ट्रू। इट मींस 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2m इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम। सम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल टू दिस, ये हमने लेट कर लिया है, तो हम इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से अब हम पी एम प्लस 1 को देखेंगे। पी एम प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू 2m प्लस 1,
और इससे ठीक पहले वाली टर्म होगी 2m, हम इसी से एक टर्म आगे बढ़े हैं और इसको हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू n के प्लेस पर m प्लस 1 मिलना चाहिए, m प्लस 1 स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं, 2m प्लस 1 यूजिंग रिजल्ट 1, हम यहां तक का सम लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस m एंड द लास्ट टर्म इज एज इट इज 2m प्लस 1 यूजिंग 1, दिस इज 2 m स्क्वायर प्लस 2m और इस 1 को हम ब्रेक कर रहे हैं 1 प्लस 1 में, m एज इट इज, केवल हमने इस 2 को ब्रेक किया है 1 प्लस 1। अब देखिए इन तीन टर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं m प्लस 1 होल स्क्वायर से एंड दिस इज एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस पी एम प्लस 1 इज ट्रू अब तीनों स्टेप हमने फॉलो कर लिए, पी 1 के लिए ट्रू हमने प्रूव कर दिया और साथ ही ये प्रूव कर दिया पी एम प्लस 1 इज ट्रू इफ पी एम इज ट्रू, इट मीन्स अगर पी 1 के लिए ट्रू है तो पी 2 के लिए भी ट्रू होगा एंड सो ऑन फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स इट विल बी ट्रू। हेंस बाय इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, हमें फॉलो करने हैं इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्टेटमेंट हमें गिवन है, सेम स्टेप्स हैं, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट डिनोटेड बाय द क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप पी वन मीन्स लेफ्ट साइड में से 1 टर्म लीजिए और राइट साइड में n के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, वन इज इक्वल टू 1 विच इज ट्रू, इट मीन्स पी 1 इज ट्रू, फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर लिया है। नाउ नेक्स्ट सेकेंड स्टेप लेट पी एम बी ट्रू, और पी एम को ट्रू लेट करने का मीनिंग है हमने लेट कर लिया है 1 प्लस 4 प्लस 7 अप टू एन के प्लेस पर एम पुट कर देंगे, 3m माइनस 2 इज इक्वल टू इन टर्म्स का सम है हाफ एम 3m माइनस 1, इस रिजल्ट को हमने ट्रू कर लिया है। पी एम प्लस 1 के लिए चेक करेंगे, पी एम प्लस 1 मीन्स 1 प्लस 4 प्लस 7 एम के प्लेस पर एम प्लस 1 पुट कीजिए इज इक्वल टू हाफ एम प्लस 1, एम के प्लेस पर जस्ट एम प्लस 1 पुट करना है, दिस इक्वल टू दिस, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं आगे हमें इजी होगा, दिस इज 3m प्लस 3 माइनस 1 मीन्स 3m प्लस 2। नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, अब देखिए पी एम प्लस 1 में हमने m प्लस 1 टर्म्स तक सम लिया है तो इससे ठीक पहले होगा m टर्म, दिस एक टर्म हमने एक्स्ट्रा ली है इसमें, ये वाली टर्म, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख रहे हैं 3m प्लस 3 माइनस 2। अब यूजिंग रिजल्ट 1 इन टर्म्स का सम हम पुट कर सकते हैं हाफ एम 3m माइनस 1 एंड दिस इज 3m प्लस 1, अब इसको हमें सॉल्व करके इसके इक्वल लेकर आना है, चलिए सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 3m स्क्वायर माइनस m, ये हाफ हमने कॉमन लिया है, देन इट विल बिकम 6m प्लस 2,
दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3m² + 5m + 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हम कर रहे हैं, 6 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 5 हो, 3n2, तो 5m को पुट कर रहे हैं 3m + 2m, और देखिए दिस इज राइट हैंड साइड, इट मींस pm + 1 इज ट्रू, देयरफोर बाय इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट को हमने pn लेट कर लिया है, (3x + 6x + 9x)(n terms) = 3/2 n + 1x। फर्स्ट स्टेप p1, लेफ्ट हैंड साइड में 1 टर्म लेंगे और राइट साइड में हम n के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे। 3x = 3x, इट मींस p1 इज ट्रू, नाउ सेकेंड स्टेप लेट pm बी ट्रू, pm को हमने ट्रू लेट कर लिया है, मींस हमने लेट कर लिया है 3x + 6x + 9x, अगर इन टर्म्स का सम अप टू m टर्म्स हम लें तो दैट इज इक्वल टू 3/2 m + 1x, दिस इज स्टेटमेंट 1। नाउ pm + 1, 3x + 6x + 9x अप टू m + 1 टर्म्स विल बी इक्वल टू 3/2 m के प्लेस पर m + 1, और यहां पर जब हम m के प्लेस पर m + 1 पुट करेंगे दिस ब्रैकेट विल बिकम m + 2, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में m + 1 टर्म्स तक हमें सम लेना है, अप टू m टर्म्स हमें वैल्यू गिवन है, तो m + 1th टर्म हमें पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आप देखिए दिस इज एन एपी, इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म a = 3x एंड कॉमन डिफरेंस d = also 3x, देन m + 1th टर्म ऑफ दिस एपी विल बी tn इज गिवन बाय a + n - 1 × d, a प्लस n के प्लेस पर m + 1 मींस 3x + m × 3x। अब देखिए इसमें mth टर्म अप टू m टर्म प्लस m + 1th टर्म को हम पुट कर रहे हैं 3x + 3mx, इससे ठीक पहले टर्म होगी mth टर्म, वहां तक हमने सम हमें नोन है बाय इक्वेशन 1, m टर्म्स का सम हम पुट कर सकते हैं 3/2 m + 1 x, और m + 1th टर्म को हमने ऐड कर दिया है और इसको सॉल्व करके हमें ये वैल्यू लेकर आनी है। देखिए 3x कॉमन ले रहे हैं दैट इज m + 1, अब देखिए इन दोनों टर्म में हम 3/2 m + 1 × x कॉमन ले रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म से हमें मिलेगा m और सेकेंड टर्म से हमें मिलेगा 2,
I think it is right hand side, 3 by 2 m plus 1 m plus 2 x. It means P m plus 1 is true. Therefore, by induction, Pn is true for all natural numbers. यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ आपको confusion है, तो ये हमने m plus 1 term तक sum consider किया था, और m plus 1 से ठीक पहले होगा mth term, और mth term तक sum हमने Pm में find out किया था, वो value हमने put की है, और m plus 1th term की हमने AP से value find out करके वो put की है. Question number 4th. Let Pn be the statement 1 upon 2, 1 upon 4, 1 upon 8 up to 1 upon 2 raised to the power n is equal to 1 minus 1 upon 2 raised to the power n. First step P1. Left hand side mein aap 1 term lijiye aur right hand side mein n ke place par 1 put kar dijiye. That is equal to half. Half is equal to half. It means P1 is true. Now second step, let Pm be true. It means हमने let कर लिया है 1 by 2 plus 1 upon 4 plus 1 upon 8 up to 1 upon 2 raised to the power m is equal to 1 minus 1 upon 2 raised to the power m. This is equation 1. Now check for p m plus 1. M plus 1 term तक हम ले रहे हैं sum. It will be 2 raised to the power m plus 1. और इससे ठीक पहले वाला term होगा, mth term, 2 raised to the power m. That is equal to 1 minus 2 और m के place पर m plus 1. ये हमें proof करना होगा with the help of 1. चलिए left hand side consider करते हैं. Question 1 की help से हम यहां in m terms के sum की value put करेंगे. 1 minus 1 upon 2 raised to the power m. और ये last वाला term हम as it is लिख रहे हैं, using result 1. इन दोनों terms में हम LCM ले रहे हैं, 2 raised to the power m plus 1. Then we will get the right hand side. It means Pm plus 1 is true. And therefore, by induction, Pn is true for all natural numbers. Let Pn be the given statement. Now check for P1. Left hand side first term and put n is equal to 1 in right hand side. 1 is equal to 1. It means P1 is true. Second step, let Pm be true. It means 1 square, 3 square, 5 square up to m terms is equal to m, 4m square minus 1 upon 3. This is equation 1. Now what is Pm plus 1? That is 1 square plus 3 square plus 5 square up to m plus 1 terms will be equal to m plus 1. M ke place par just m plus 1 kar dijiye. Ab dekhiye, is question mein fir se hume ye last wala term given nahi hai. Aur agar aap is form mein dekhenge to na ye AP hai na ye GP hai. Lekin agar aap iski base term ko dekhen, just base term, power mein to सभी टर्म्स के पावर में 2 है, लेकिन बेस टर्म को देखें 1, 3, 5, इट इज एन एपी.
तो बेस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं एपी के फॉर्मूले से और पावर रेज कर देंगे. सिंस 135 इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस 2, देन इट्स एम प्लस 1th टर्म विल बी ए प्लस एन माइनस 1, और n के प्लेस पर पुट कर रहे हैं एम प्लस 1 इनटू डी. ए इज 1 एंड डी इज 2, मींस एम प्लस 1th टर्म होगी 1 प्लस 2m, और इससे ठीक पहले जो टर्म होगी वो होगी mth टर्म, और mth टर्म तक का सम हमने इक्वेशन 1 में लेट किया है. दिस इज इक्वेशन 2. तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, और अप टू हमें लेना है m प्लस 1th टर्म, दैट इज 1 प्लस 2m का स्क्वायर. आप देखिए इसमें अगर ये m प्लस 1th टर्म है, तो अगर आपको फर्स्ट टर्म चाहिए इट मींस आपको m के प्लेस पर 0 पुट करना होगा, और अगर आप 0 पुट करें m के प्लेस पर तो 1 का स्क्वायर फर्स्ट टर्म. m के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए, 1 प्लस 1 मींस यू विल गेट सेकंड टर्म, तो m के प्लेस पर 1 पुट कीजिए, 1 प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर सेकंड टर्म. थर्ड टर्म अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो आपको m के प्लेस पर 2 पुट करना होगा, 2 पुट करिए, 1 प्लस 2 इंटू 2 4 यानी 5 का स्क्वायर, इट इज अवर थर्ड टर्म. तो इससे ठीक पहले वाली टर्म होगी mth टर्म. इक्वेशन 1 को यूज करके हम mth टर्म तक का सम पुट कर सकते हैं m 4m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3. एंड लास्ट टर्म इज 1 प्लस 2m होल स्क्वायर, और इस पूरे को सॉल्व करके हमें इस फॉर्म में लेकर आना है. a प्लस b के होल स्क्वायर से हम ओपन कर रहे हैं, 1 अपॉन 3 हमने कॉमन ले लिया है, और इस m को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4m क्यूब माइनस m प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 प्लस 12m स्क्वायर प्लस 12m. इस क्यूबिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो m प्लस 1 एक फैक्टर होगा इस क्यूबिक इक्वेशन का, तो इसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. रफ में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जस्ट m प्लस 1 एक फैक्टर है, इट मींस m के प्लेस पर माइनस 1 पुट करके चेक कर लेते हैं. जस्ट Clearly m plus 1 is a factor. अब m plus 1 से हम इसको डिवाइड करते हैं टू फाइंड रिमेनिंग फैक्टर्स. वी कैन राइट 1 अपॉन 3 m plus 1 इंटू 4m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 3. अब इस वाली ब्रैकेट को हमें जस्ट उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो हमें पी एम प्लस 1 के लिए चाहिए, दैट इज 4m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1. देखिए इन दोनों टर्म में अगर हम 4 कॉमन ले लें इट विल बिकम m स्क्वायर प्लस 2m. अब देखिए m प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें बनाना है, इट मींस प्लस 1 और माइनस 1 हम करेंगे इस ब्रैकेट में. इन तीनों टर्म्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं m प्लस 1 होल स्क्वायर से, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 माइनस 4 प्लस 3. और अब ये एग्जैक्टली वही फॉर्म है जो हमें रिक्वायर्ड थी फॉर एम पी एम प्लस 1 इज ट्रू, 4m प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस पी एम प्लस 1 इज ट्रू.
therefore by induction Pn is true for all natural numbers. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट. वन क्यूब, टू क्यूब, थ्री क्यूब अप टू एन क्यूब इज इक्वल टू एन एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर. इफ इट इज पी एन देन पी वन इज, लेफ्ट हैंड साइड में हम वन टर्म लेंगे और राइट हैंड साइड में हम एन के प्लेस पर वन पुट करेंगे और देखते हैं इज इट ट्रू. 1 is equal to 1. It means P1 is true. Now come to the second step. Let Pn be true for this statement. Let Pm be true. It means हमने let कर लिया है 1 cube plus 2 cube plus 3 cube up to m cube is equal to m plus 1 अपॉन टू होल स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन वन. इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे और इसके हेल्प से हम पी एम प्लस वन को ट्रू प्रूव करेंगे. नाउ पी एम प्लस वन मीन्स इस इक्वेशन में आप एम के प्लेस पर एम प्लस वन पुट कर दीजिए. अप टू एम प्लस वन हमको लेना है और ठीक इससे पहले वाली टर्म होगी mth टर्म m क्यूब. दिस इज इक्वल टू m के प्लेस पर m प्लस वन. m प्लस वन इन दिस ब्रैकेट m प्लस वन प्लस वन दिस विल बिकम m प्लस टू अपॉन टू एंड होल स्क्वायर. चलिए लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर रहे हैं. इक्वेशन वन एम क्यूब तक जो टर्म्स हैं उनके सम को हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं एम एम प्लस वन होल स्क्वायर. इसको ओपन करके हम लिख रहे हैं अपॉन फोर प्लस एम प्लस वन होल क्यूब. अब इसको सॉल्व करके हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है देन पी एम प्लस वन विल बी ट्रू. एम प्लस वन होल स्क्वायर इज कॉमन. अब देखिए इसको अगर हम केयरफुली देखें दिस इज एम स्क्वायर दिस इज फोर एंड फोर इज द स्क्वायर ऑफ टू एंड फोर एम को हम ब्रेक कर सकते हैं टू इंटू एम इंटू टू. ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर दिस इज ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स एम प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन फोर एंड दिस इज होल स्क्वायर ऑफ एम प्लस टू. नाउ वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म एम प्लस वन और एम प्लस टू को हम जस्ट ब्रेक कर रहे हैं एम प्लस वन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर एंड दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ पी एम प्लस वन. इट मीन्स पी एम प्लस वन इज ट्रू. और जैसे ही आपने ये थ्री स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं इट मीन्स बाय इंडक्शन Pn is true for all natural numbers. Question number 7. Same procedure हमें follow करना है. According to this statement, P1 will be LHS में आप one term consider करिए और right hand side में n के place पर one put कर दीजिए. This is 18 and this is also 18. It means P1 is true. Second step, let Pm be true. Pm को हमने true let किया है. It means हमने let किया है कि अगर हम m terms का sum लेंगे तो this is equal to 3m m plus 1 m plus 2. This is equation 1. Now P m plus 1 will be mth term तो हमें लेनी ही है एक term extend करनी है that will be m plus 1th term. तो m के place पर m plus 1 put कर दीजिए. यहां पर भी हम m के place पर m plus 1 put कर रहे हैं
एंड दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी m के प्लेस पर m प्लस वन पुट कर दीजिए. दिस विल बिकम m प्लस वन, ये ब्रैकेट बन जाएगी m प्लस वन प्लस वन, एंड दिस वन विल बी m प्लस वन प्लस टू. इस फॉर्म में हमको इसका सम प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ पी एम. वी आर कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड यूजिंग इक्वेशन वन अप टू द सम अप टू द m टर्म्स इक्वल टू दिस. एंड द लास्ट टर्म इज 3m प्लस 1 एंड इन दीज टर्म्स 3 इज कॉमन. थ्री एम प्लस वन एम प्लस टू आर कॉमन इन बोथ द टर्म्स. एम प्लस थ्री, अब देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल है, जस्ट इसको उस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. तो एम प्लस टू को हम ब्रेक कर सकते हैं एम प्लस वन में, और एम प्लस थ्री को हम ब्रेक कर सकते हैं एम प्लस वन प्लस टू में. नाउ दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ पी एम प्लस वन. इट मीन्स पी एम प्लस वन इज ट्रू. और जैसे ही आपने पी एम की हेल्प से पी एम प्लस वन को ट्रू प्रूव कर दिया, देन बाय इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, पी वन मीन्स फर्स्ट टर्म इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड पुट एन इज इक्वल टू वन इन राइट हैंड साइड. वन टू थ्री, वन टू थ्री, इट मीन्स पी वन इज ट्रू. नाउ सेकेंड स्टेप, लेट पी एम बी ट्रू. सम ऑफ दीज टर्म इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आप m के n के प्लेस पर m पुट कर दीजिए. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू प्रूव पी एम प्लस वन इज ट्रू. पी एम प्लस वन मीन्स दीज आर m टर्म्स. तो जस्ट हमें इससे नेक्स्ट एक टर्म और कंसिडर करनी है जो हमें मिलेगी m के प्लेस पर m प्लस वन पुट करके, दैट इज m प्लस वन. यहाँ भी हम m के प्लेस पर m प्लस वन पुट करेंगे, दिस विल बिकम m प्लस टू. इस ब्रैकेट में m के प्लेस पर m प्लस वन पुट करेंगे, दिस विल बिकम m प्लस थ्री. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी आप m के प्लेस पर m प्लस वन पुट कर दीजिए. m प्लस वन, दिस ब्रैकेट विल बिकम m के प्लेस पर m प्लस वन पुट कर रहे हैं, m प्लस वन प्लस वन. नेक्स्ट में भी हम m के प्लेस पर m प्लस वन पुट कर रहे हैं, एंड सेम इन लास्ट ब्रैकेट अपॉन फोर. पी एम इज अवर इक्वेशन वन. यूजिंग इक्वेशन वन सम अप टू m टर्म्स वी कैन पुट दिस वैल्यू. m प्लस वन, m प्लस टू, m प्लस थ्री इज कॉमन. नाउ दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ p m प्लस वन. जस्ट आपको इसकी फॉर्म चेंज करनी है. m प्लस टू को हम लिख सकते हैं m प्लस वन प्लस वन, m प्लस थ्री को हम लिख सकते हैं m प्लस वन प्लस टू, एंड m प्लस फोर को m प्लस वन प्लस थ्री. मीन्स पी एम प्लस वन इज ट्रू इफ पी एम इज ट्रू. देयरफोर बाय इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 9, लेट पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट.
पी वन विल बी वन इंटू टू एंड इन राइट हैंड साइड पुट एन इज इक्वल टू वन. टू इज इक्वल टू टू, इट मीन्स पी वन इज ट्रू. सेकेंड लेट पी एम बी ट्रू, इट मीन्स अगर m टर्म्स का सम हम कंसीडर करेंगे देन दिस विल बी इक्वल टू m माइनस वन टू रेज टू द पावर m प्लस वन प्लस टू. दिस इज इक्वेशन वन. नाउ राइट द वैल्यू ऑफ पी एम प्लस वन. पी एम प्लस वन के लिए हमें m प्लस वन टर्म्स कंसीडर करनी है. m टर्म्स तो ये है ही, एक टर्म इसमें एक्सटेंड हो जाएगी, वो हमें मिलेगी m को m प्लस वन से रिप्लेस करके. दिस विल m प्लस वन टू रेज टू द पावर m प्लस वन एंड सम ऑफ दीज टर्म्स विल बी इक्वल टू m के प्लेस पर m प्लस वन पुट कर दीजिए. सिंपली दिस इज इक्वल टू m टू रेज टू द पावर m प्लस टू प्लस टू. Now consider left hand side. From equation 1 हम m terms का sum put कर सकते हैं. This value m minus 1 2 raised to the power m plus 1 plus 2 and last term is as it is. इन दोनों टर्म्स में हम कॉमन ले रहे हैं 2 रेज टू द पावर m प्लस 1. m माइनस 1 प्लस m प्लस 1 एंड दिस प्लस 2 इज एज इट इज. दिस इज 2m. टू की पावर वन एंड टू रेज टू द पावर एम प्लस वन. दिस विल बिकम टू रेज टू द पावर एम प्लस टू एंड दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड. आप इसको और क्लियर फॉर्म में लिख सकते हैं. इस m को लिख सकते हैं m प्लस वन माइनस टू रेज टू द पावर m प्लस टू को लिख सकते हैं m प्लस वन प्लस वन एंड प्लस टू. इट मीन्स पी एम प्लस वन इज ट्रू. Therefore, by induction, Pn is true for all natural numbers. Question number 10th. Let the given statement is Pn. Then P1 will be left hand side में से आप 1 term लीजिए और right hand side में n के place पर 1 put कर दीजिए. This is 1 plus 1, 2 and this is also 2. It means P1 is true. Second step, PM ko true let kar lijiye. It means sum of M, product of M terms is M plus 1. This is equation 1. Now write statement for PM plus 1. पी एम में हमने एम टर्म्स तो कंसीडर की ही हैं, जस्ट एक टर्म हमें एक्सटेंड करनी है और वो हमें मिलेगी एम को एम प्लस वन से रिप्लेस करके. और इसकी वैल्यू हमें प्रूव करनी है. दिस विल बी इक्वल टू एम प्लस वन प्लस वन. कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड. इक्वेशन वन से हम इन टर्म्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं m प्लस वन लास्ट टर्म एज इट इज. एलसीएम हम ले रहे हैं m प्लस वन. दिस इज इक्वल टू m प्लस वन प्लस वन. इट मीन्स p m प्लस वन इज ट्रू.
हैंस बाय इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 11. पी वन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म आप कंसीडर कीजिए और राइट हैंड साइड में एन को रिप्लेस कर दीजिए वन से. 1 माइनस 1 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड दिस इज ऑल्सो 1 बाई 2. इट मीन्स पी वन इज ट्रू. सेकेंड स्टेप, लेट पी एम बी ट्रू. प्रोडक्ट ऑफ एम टर्म्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एम प्लस 1. दिस इज इक्वेशन 1. Now statement PM plus 1 will be M plus 1 terms का product हमें लेना है. ये हमने M terms का product लिखा है, just one term हमें extend करनी है. वो term हमें मिलेगी M को M plus 1 से replace करके, is equal to हमें prove करना है M plus 1 plus 1, M plus 2 के. चलिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं. इक्वेशन वन की हेल्प से हम इन टर्म्स को के प्रोडक्ट को पुट कर सकते हैं, वन अपॉन एम प्लस वन. वन अपॉन एम प्लस टू, इसको हम एम प्लस टू को ब्रेक कर सकते हैं एम प्लस वन प्लस वन एंड दिस इज द राइट हैंड साइड. इट मीन्स पी एम प्लस वन इज ट्रू. By induction, Pn is true for all natural numbers. Question number 12. Let Pn be the given statement. इस question में हमें general term की value given नहीं है. ऐसे questions में हमें general term find out करनी होगी. Series को आपको check करना होगा, AP है, GP है या फिर कोई और pattern है, और उसके अकॉर्डिंग आपको जनरल टर्म फाइंड आउट करनी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द स्टेटमेंट फॉर एन इज इक्वल टू वन. पी वन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट टर्म ले लीजिए और राइट हैंड साइड में एन के प्लेस पर वन पुट कर दीजिए. पी वन इज ट्रू. सेकेंड स्टेप, लेट पी एम बी ट्रू. पीएम को हमने ट्रू लेट किया है, इट मीन्स हमने लेट किया है कि एम टर्म्स का सम अगर हम लेंगे देन दिस इज इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस वन. इट इज इक्वेशन वन. नाउ पी एम प्लस वन मीन्स एम प्लस वन टर्म्स का सम हमें लेना है एंड दिस विल बी इक्वल टू एम को रिप्लेस कर दीजिए एम प्लस वन से. चलिए अब हम एम प्लस वनथ टर्म की वैल्यू के लिए इसकी जनरल टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं. अब देखिए इसमें टू सीरीज कंसीडर हो रही है. फर्स्ट है 1, 2, 3. इसमें फर्स्ट टर्म है तो 1 है, सेकेंड टर्म है तो 2 है, थर्ड टर्म है तो 3 है. इट मीन्स अगर आप इसकी टेंथ टर्म लिखेंगे तो 10 आएगा, अगर आप nth टर्म लिखेंगे तो n आएगा, mth टर्म लिखेंगे m आएगा. तो सपोज कीजिए इसकी हम टेंथ टर्म लिखना चाह रहे हैं, तो आप देखिए फर्स्ट टर्म 1 आया है, सेकेंड टर्म में 2 आया है, इट मीन्स टेंथ टर्म में 10 आएगा. और ये जो सेकेंड सीरीज है ये है इससे 1 ग्रेटर, एक ज्यादा है, नेक्स्ट है 3 to 4. तो अगर ये 10 है तो ये 11 होगा. इट मीन्स अगर इसके जनरल टर्म टी एन हम अगर हम देखें तो वो होगी 1 अपॉन एन इन टू एन प्लस 1. अगर हम इसमें टी एम प्लस 1 लिखें तो वो होगी एम प्लस 1 और दिस इज एम प्लस 2 जस्ट नेक्स्ट टू दिस. तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हैं. एम प्लस वन टर्म, टू एम टर्म्स
प्लस एम प्लस वनथ टर्म की हमने वैल्यू पुट कर दी। इसको हमने अप टू एम टर्म्स इसलिए लिखा है क्योंकि इक्वेशन वन जो हमने बनाई थी इसके हेल्प से हम एम टर्म्स के सम को ये पुट कर सकते हैं। यूजिंग इक्वेशन वन एम टर्म्स तक का जो सम है दैट इज इक्वल टू एम अपॉन एम प्लस वन एंड mth टर्म इज वन अपॉन एम प्लस वन एम प्लस टू। एम प्लस वन अपॉन एम प्लस टू और एम प्लस टू को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं एम प्लस वन दिस इज राइट हैंड साइड। इट मीन्स पी एम प्लस वन इज ट्रू इफ पी एम इज ट्रू। हैंस बाय इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 13 लेट पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट। According to this statement, PM P1 will be right hand side में आप first term ले लीजिए और right hand side में N के place पर 1 put कर दीजिए। Clearly P1 is true. Second step, let PM be true. इट मीन्स हमने लेट किया है अगर हम एम टर्म्स का सम लेंगे दैट इज इक्वल टू एम 9m प्लस 1। नाउ पी एम प्लस 1 मीन्स एम प्लस 1 टर्म्स हमें कंसीडर करनी है। दिस इज mth टर्म एंड नेक्स्ट टू दिस विल बी एम प्लस 1th टर्म। इसमें अगर आप m के प्लेस पर m प्लस 1 पुट कर देंगे तो ये नेक्स्ट टर्म एम प्लस वन हो जाएगी। एंड दिस इज इक्वल टू एम प्लस वन एम के प्लेस पर एम प्लस वन पुट कर दीजिए। वैल्यू ऑफ पी एम इज वन। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पी एम प्लस वन दिस इज 3m प्लस 6। इक्वेशन 1 की हेल्प से हम m टर्म्स के सम को पुट कर सकते हैं m अपॉन 9m प्लस 1 लास्ट टर्म एज इट इज। दिस इज इक्वल टू m प्लस 1 अपॉन 9 m प्लस 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं m प्लस 1 प्लस 1 एंड दिस इज राइट हैंड साइड। देयरफॉर पी एम प्लस 1 इज ट्रू बाय इंडक्शन। पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 14 लेट पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट। According to this, P1 means left hand side से first term ले लीजिए और right hand side में n के place पर 1 put कर दीजिए। Clearly P1 is true. Second step, let PM be true. PM को हमने true let किया है, it means हमने let किया है कि सम ऑफ m टर्म्स विल बी इक्वल टू m अपॉन 2m प्लस 1। अब इस क्वेश्चन में भी आप देखिए जनरल टर्म हमें गिवन नहीं है तो वो जनरल टर्म हमें फाइंड आउट करना होगा। दिस इज इक्वेशन 1। नाउ पी एम प्लस 1 मीन्स हमें इस बार सम कंसीडर करना है m प्लस 1 टर्म्स का एंड दिस विल बी इक्वल टू m को रिप्लेस कर दीजिए m प्लस 1 से। दिस इज 2m प्लस 3। अब देखिए पहले इसका हम जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे। टू सीरीज इसमें चल रही हैं। फर्स्ट है 1, 3, 5। दिस इज एन एपी। फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन डिफरेंस 2।
general term will be a plus n minus 1 into d. a और d की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2n minus 1. एंड द सेकेंड टर्म इज प्लस 2. फर्स्ट वाले में अगर हम 2 ऐड कर दे रहे हैं तो ये हमें सेकेंड वाली सीरीज का टर्म मिल जा रहा है. इट मीन्स आप इस पूरी सीरीज का nth टर्म लिखेंगे. चलिए लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर रहे हैं. अब देखिए, इसका हम फर्स्ट ऑफ ऑल mth टर्म लिख रहे हैं. mth टर्म हमें मिलेगा ये फर्स्ट सीरीज जो 1, 3, 5 है, इसका जनरल टर्म हमने ये फाइंड आउट किया है. तो यहां पर अगर हम n के प्लेस पर m पुट कर देंगे तो हमें ये फर्स्ट वाली सीरीज का टर्म हमने लिख दिया है. अब सेकेंड वाली सीरीज का जो टर्म है वो जस्ट अपने प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करके मिल रहा है. मीन्स ये जो प्रीवियस नंबर 2m माइनस 1 हमने लिखा है, इसमें जस्ट 2 ऐड कर दीजिए. अब देखिए, इसी के पैटर्न पर हम लिखेंगे नेक्स्ट टर्म m प्लस 1th टर्म. तो उसके लिए हम n के प्लेस पर m प्लस 1 पुट करेंगे. और नेक्स्ट सेकेंड वाली सीरीज का नंबर लिखने के लिए हम इस वाले नंबर में 2 ऐड कर देंगे. इसको ओपन करके लिख रहे हैं 2m प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2. अब देखिए, अगर हम इक्वेशन 1 को कंसीडर करें तो m टर्म्स तक के सम को हम इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं. यानी ये जो m टर्म्स हैं इनके सम को हम रिप्लेस कर सकते हैं m अपॉन 2m प्लस 1. और लास्ट टर्म एज इट इज, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, 2m प्लस 2 माइनस 1 मीन्स प्लस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट इज 2m प्लस 3. चलिए अब देखिए, आप राइट हैंड साइड में देखिए जो हमें लेकर आना है वहीं से आपको हिंट मिलेगा कि इसकी फॉर्म को आपको कैसे कन्वर्ट करना है. हमें न्यूमरेटर में m प्लस 1 चाहिए, तो चलिए इसके न्यूमरेटर में m प्लस 1 हम बनाएंगे. वो हम बना सकते हैं 2m स्क्वायर को हमने ब्रेक कर दिया m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर में, और ये जो 3m है इसको हमने ब्रेक किया 2m प्लस m और प्लस 1 एज इट इज. नाउ दीज थ्री टर्म्स आर द होल स्क्वायर ऑफ m प्लस 1 और डिनोमिनेटर एज इट इज. अब इन तीनों टर्म को हम रिप्लेस कर रहे हैं m प्लस 1 के होल स्क्वायर से. और ये जो रिमेनिंग टू टर्म्स हैं इनमें आप देखिए m कॉमन है एंड देन m प्लस 1. Equal to m plus 1 upon 2m plus 3. अब जस्ट इसको आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है जहां दिखाई दे कि दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ पी एम प्लस 1. तो हम 2m प्लस 3 को ब्रेक कर सकते हैं 3 को 2 प्लस 1 में. और अब हम इसको दिखा सकते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए, इस फॉर्म में. एंड दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ पी एम प्लस 1. It means Pm plus 1 is true. And hence by induction Pn is true for all natural numbers. Number 15th, let Pn be the given statement. P1 means left hand side में से 1 term ले लीजिए first term और right hand side में n के place पर 1 put कर दीजिए. P1 is true. Second step, let Pm be true. हमने let कर लिया है. Sum of m terms is equal to m upon 3m plus 1. Equation 1. Now Pm plus 1 means consider करना है हमें up to term m plus 1. Pm में हमने m टर्म तक कंसीडर किया था, एक टर्म हमें जस्ट एक्सटेंड करनी है और वो टर्म हमें मिलेगी m को m प्लस 1 से रिप्लेस करके.
दिस विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी आप m को रिप्लेस कर दीजिए m प्लस 1 से. दिस इज 3m प्लस 4. नाउ कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड. इक्वेशन 1 के हेल्प से हम m टर्म्स तक के सम की वैल्यू पुट करेंगे m अपॉन 3m प्लस 1. अब देखिए राइट हैंड साइड से ही हमें हिंट मिलता है, हमें न्यूमरेटर में m प्लस 1 चाहिए, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे m प्लस 1 में, m प्लस 1 के होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट होगा. देखिए ब्रेक करते हैं, 3m स्क्वायर को हम ब्रेक कर रहे हैं m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर में, और 4m को हम ब्रेक कर रहे हैं 2m प्लस 2m और 1 एज इट इज. नाउ दीज थ्री टर्म्स आर द होल स्क्वायर ऑफ m प्लस 1. जस्ट आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करना है. 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 3 प्लस 1, और अब इन दोनों में अगर हम 3 कॉमन ले लें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको चाहिए पी एम प्लस 1 के लिए तो वही मिल जाएगी. एंड क्लियरली नाउ पी एम प्लस 1 इज ट्रू. देयरफोर बाय इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. क्वेश्चन नंबर 16, लेट पी एन बी द गिवन स्टेटमेंट. पी वन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में से आप फर्स्ट टर्म लीजिए और राइट हैंड साइड में एन के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए. पी वन इज ट्रू. सेकेंड लेट पी एम बी ट्रू. पी एम को हमने ट्रू लेट किया है, इट मीन्स हमने लेट किया है कि सम अप टू एम टर्म्स इज इक्वल टू एम अपॉन 3 टू एम प्लस 3. इक्वेशन 1. नाउ पी एम प्लस 1, इट मीन्स हमें सम कंसीडर करना है अप टू टर्म m प्लस 1 को रिप्लेस कर दीजिए m प्लस 1 से. विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड में भी m को रिप्लेस कर दीजिए m प्लस 1 से. दिस इज 2m प्लस 5. नाउ लेफ्ट हैंड साइड विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन V1 वी कैन रिप्लेस दीज टर्म्स बाय m अपॉन 3 टू एम प्लस 3. एम टर्म्स का सम जो है वो m अपॉन 2 एम प्लस 3 है. राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में हमें m प्लस 1 ही हमारी रिक्वायरमेंट है, तो देखिए आप इसको जनरली जो ब्रेक करेंगे तो आप जैसे आप ब्रेक करेंगे, मैं पहले वैसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूं. हम इस 2m स्क्वायर को ब्रेक करेंगे m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर में. इस 5m को हम ब्रेक करेंगे 2m प्लस 3m में, और इस 3 को हम ब्रेक करेंगे प्लस 1 प्लस 2 में. तो अब देखिए इन 3 टर्म्स को आप रिप्लेस कर देंगे m प्लस 1 होल स्क्वायर से, तो अगेन ये टर्म आगे भी ब्रेकआउट हो सकती है. ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूं कि अप टू क्वेश्चन नंबर 15 हम इसी तरीके से ब्रेकआउट करते आए हैं. अप टू क्वेश्चन नंबर 15 हमने इसी तरह ब्रेक किया है, तो आपके माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल यही मेथड आएगा. तो अब इसमें आपको अगेन ब्रेक करना होगा m स्क्वायर. 3m को हम लिखेंगे 2m प्लस m, और इस 2 को हम लिखेंगे 1 प्लस 1. नाउ दीज थ्री टर्म्स आर द स्क्वायर ऑफ m प्लस 1, और ये 3 टर्म भी m प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और फिर ये m प्लस 1 है.
अब इनको हम ऐड करके लिख सकते हैं 2m+1 होल स्क्वायर। तो यही स्टेप हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम 5m को जस्ट ब्रेक करें 4m+m में और इस 3 को ब्रेक करें 2+1 में। अगर आपको ये नहीं माइंड में आता है तो आप इस स्टेप से भी करेंगे, तो नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा होंगे बट आफ्टर 2 और 3 स्टेप्स आप सेम पॉइंट पर पहुंचेंगे। अब अगर इन 3 टर्म्स में से हम 2 कॉमन ले लें देन इट विल बिकम द होल स्क्वायर ऑफ m+1। अब इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम 5 को ब्रेक कर रहे हैं 2+3 में। नाउ दिस इज क्लियरली pm+1, इट मींस pm+1 इज ट्रू एंड बाय इंडक्शन pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ। सेकेंड टाइप की जो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।